दिया कि वह महल में घूम घाम कर 2 घंटे बाद उसके पास वापस आए। इस बीच मैं चाहता हूँ कि तुम एक काम करो, ज्ञानी पुरुष ने कहा और लड़के को एक चम्मच पकड़ा दी जिसमें तेल की 2 बूंदें पड़ी हुई थी। जिस दौरान तुम महल में घूमो, इस चम्मच को इस तरह थामे रखना कि इसका तेल छलकने ना पाए। लड़का चम्मच पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए महल की कई सीढ़ियां चढ़ने उतरने लगा। 2 घंटे बाद वह उस कमरे में लौटा जहां वह ज्ञानी पुरुष था। हाँ, क्या तुमने मेरे भोजन कक्ष में टंगे चित्रों से सजे हुए फारसी पर्दे देखे? क्या तुमने मेरा वह बगीचा देखा जिसे बनाने में उस्ताद माली को 10 साल लग गए थे? क्या तुमने मेरे पुस्तकालय में रखे चर्म पत्र के खूबसूरत ग्रंथों की ओर ध्यान दिया? लड़का शर्मिंदा हुआ और उसने स्वीकार किया कि उसका ध्यान उनमें से किसी चीज की ओर नहीं गया था। उसे तो पूरे समय इस बात की फिक्र बनी रही थी कि ज्ञानी पुरुष ने जो चम्मच उसे सौंपी हुई थी उसका तेल छलकने ना पाए। तब फिर वापस जाओ और मेरी दुनिया के चमत्कारों को ध्यान से देखो, ज्ञानी पुरुष ने कहा। अगर तुम किसी आदमी के मकान को ही नहीं जानते तो तुम उस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। लड़के ने राहत की सांस ली, चम्मच उठाई और वापस राजमहल की छानबीन के लिए लौट पड़ा। इस बार उसने छतों और दीवारों की सारी कलात्मक सजावटों को ध्यान से देखा। उसने सारे बाग देखे, अपने चारों ओर खड़ी पहाड़ियां देखी और उस नफासत पर ध्यान दिया जिसके साथ हर चीज का चुनाव किया गया था। वापस लौटने पर उसने ज्ञानी पुरुष को उस सब कुछ के बारे में विस्तार से बताया जो उसने देखा था। लेकिन तेल की वे बूंदे कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें सौंपी थी, ज्ञानी पुरुष ने पूछा। जब लड़के ने सिर झुकाकर हाथ में थमी चम्मच की ओर देखा तो पाया कि उसका तेल नदारद था। खैर, मैं तुम्हें एक ही सलाह दे सकता हूँ, ज्ञानियों के ज्ञानी, उस पुरुष ने कहा। सुख का रहस्य यह है कि दुनिया के सारे आश्चर्यों को देखो और चम्मच में रखी तेल की बूंदों को कभी मत भूलो। गडरी ने कुछ नहीं कहा। वह बूढ़ी राजा द्वारा सुनाई कहानी को समझ गया था। एक गडरिये को भले ही यात्राएं पसंद हो, लेकिन उसे अपनी भेड़ों के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए। बूढ़े ने लड़के की ओर देखा और अपने दोनों हाथों से उसके सिर के ऊपर कुछ विचित्र से संकेत किए। फिर वह अपनी भेड़ों को लेकर वहां से चला गया। टेरिफा के सबसे ऊंचे शिखर पर एक पुराना किला है जिसका निर्माण मुरू ने किया था। उसकी बुर्जों पर खड़े होकर आप अफ्रीका की एक झलक पा सकते हैं। सलेम का राजा मिल्की जेडेक उस अप्राण्य बुर्ज पर बैठा हुआ अपने चेहरे पर लिवेंटर का स्पर्श महसूस कर रहा था। मेरे आसपास बेचैन भटक रही थी। वे अपने नए मालिक के साथ असहज महसूस कर रही थी और इस बहुत ज्यादा बदलाव की वजह से उत्तेजित थी। वे सिर्फ भोजन और पानी चाहती थी। मिल्की जड़ेक एक छोटे जहाज को देख रहा था जो बंदरगाह से बाहर निकल रहा था। अब वह उस लड़के से कभी नहीं मिलेगा, ठीक उसी तरह जैसे वह अब्राहम से एक दहाई शुल्क लेने के बाद कभी नहीं मिला था। यही उसका धंधा था। देवताओं की कोई इच्छाएं नहीं होती होंगी क्योंकि उनके कोई प्रारब्ध नहीं होते, लेकिन सलेम का राजा बेतहाशा उम्मीद से भरा हुआ था कि वह लड़का कामयाब होगा। यह बहुत बुरी बात है कि वह बहुत जल्दी मेरा नाम भूल जाएगा, उसने सोचा। मुझे यह नाम उसके सामने बार बार दोहराना चाहिए था। फिर वह जब मेरे बारे में बात करता तो कहता कि वह मिल्की जेडेक है, सलेम का राजा। उसने कुछ लज्जित से भाव से आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, जैसा कि आपने कहा है, यह अहंकार की इंतहा है, लेकिन एक बूढ़े राजा का इतना हक तो बनता ही है कि वह कभी कभी खुद पर गर्व करे। अफ्रीका कितना अजीब और गरीब है, लड़के ने सोचा। वह एक बार में बैठा हुआ था जो उन बिल्कुल उन्हीं बारों जैसा था जिन्हें वह टेंजियर की सैंकरी सड़कों के किनारे दिखता आया था। कुछ लोग एक विशाल हुक्का पी रहे थे जिसे वे एक दूसरे की ओर बढ़ाते जाते थे। कुछ ही घंटों के भीतर उसने हाथ में हाथ डाले मर्दों और नकाब से ढके चेहरों वाली औरतों को आते जाते देख लिया था
और उन मौलवियों को भी जो मीनारों पर चढ़कर अजान देते थे, और उस दौरान हर कोई घुटनों के बल बैठकर अपने माथे जमीन पर टिका देता था। यह विधर्मियों का रिवाज है, उसने मन ही मन सोचा। अपने बचपन में उसने गिरजाघर में हमेशा सफेद घोड़े पर सवार सेंट सैंटियागो माता मोरोस की छवि देखी थी, जिनकी बगल में नंगी तलवार लटकती रहती थी और घुटनों पर झुके ऐसे ही लोगों की आकृतियां होती थी। वह अंदर ही अंदर बीमार और बुरी तरह अकेला महसूस करने लगा। उन विधर्मियों को देखकर लगता था जैसे उनके भीतर कोई पाप छिपा हुआ हो। इसके अलावा यात्रा की हड़बड़ी में वह एक बात भूल ही गया था, सिर्फ एक बात जो उसे उसके खजाने से लंबे अरसे तक दूर रख सकती थी। इस मुल्क में सिर्फ अरबी ही बोली जाती थी। शराब घर का मालिक उसके पास आया और लड़के ने उसे पेय की ओर इशारा किया जो उसके बगल की मेज पर पेश किया गया था, लेकिन उसे पता चला कि वह कोई कड़वी चाय थी। वह तो वाइन पीना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसे जरूरत थी अपने खजाने की चिंता करने की और इस बात की कि वह उसे हासिल कैसे करे। भेड़ों की बिक्री से उसके बटुए में काफी पैसा आ चुका था और लड़का जानता था कि पैसा जादुई चीज होती है। जिसके पास पैसा होता है वह वाकई कभी अकेला नहीं पड़ता। बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, बल्कि शायद कुछ ही दिनों में वह पिरामिडों पर होगा। सोने का कवच पहने एक बूढ़े आदमी ने महज 6 भेड़ों के खातिर उससे झूठ नहीं बोला होगा। उस बूढ़े ने संकेतों और भविष्य सूचक संकेतों की बात कही थी, और जब लड़का खाड़ी को पार कर रहा था तो उसने भविष्य सूचक संकेतों के बारे में सोचा था। हाँ, बूढ़े को पता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। जो समय उसने एंडलुसिया के मैदानों में गुजारा था, उस दौरान उसने यह सीख लिया था कि जमीन और आसमान को गौर से देखते हुए उसे कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए। उसने पता लगा लिया था कि एक खास पक्षी की मौजूदगी का मतलब है कि आसपास कोई सांप है, और एक खास तरह की झाड़ी इस इलाके में पानी की मौजूदगी का संकेत है। यह बात उसे भेड़ों ने सिखाई थी। अगर परमेश्वर भेड़ों को इतनी अच्छी तरह राह दिखाता है तो वह इंसान को भी राह दिखाएगा, उसने सोचा, और यह सोचते हुए उसने बेहतर महसूस किया। अब वह चाय उतनी कड़वी नहीं लग रही थी। तुम कौन हो? उसने सुना कि कोई स्पैनिश में उससे पूछ रहा था। लड़के ने राहत की सांस ली। वह भविष्य सूचक संकेतों के बारे में सोच रहा था और कोई व्यक्ति प्रकट हो गया था। तुम्हें स्पैनिश कैसे आती है? उसने पूछा। यह नया आगंतुक पश्चिमी वेशभूषा पहने एक नौजवान था, लेकिन चमड़ी के रंग से वह इसी शहर का लगता था। वह करीब करीब लड़के की ही उम्र का था और उसके जितना ही लंबा था। यहाँ लगभग हर कोई स्पैनिश बोलता है। हम स्पेन से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर ही तो हैं। बैठो, मैं तुम्हारी कुछ खातिरदारी करना चाहता हूँ, लड़के ने कहा, और मुझे एक ग्लास वाइन लाने को कहो। मुझे इस चाय से नफरत है। इस मुल्क में वाइन नहीं मिलती, नौजवान ने कहा। यहाँ मजहब उसकी इजाजत नहीं देता, लड़के ने उससे कहा। मुझे पिरामिडों पर जाना है। उसके मुंह से खजाने वाली बात निकलने ही वाली थी, लेकिन फिर उसने उस बारे में न बोलना ही ठीक समझा। उसने सोचा कि अगर मैं इस अरबी को यह बता दूंगा तो हो सकता है कि यह मुझे वहां पहुंचाने के बदले मुझसे उस खजाने का एक हिस्सा मांगने लगे। उसे बूढ़े की कही वह बात याद आई। ऐसी चीज देने का वादा नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वहाँ ले चलो। गाइड के रूप में तुम्हारी इस मदद के बदले मैं तुम्हारा मेहनताना देने को तैयार हूँ। तुम्हें कोई अंदाजा है कि वहाँ कैसे जाना होता है? उस नवागंतुक ने पूछा। लड़के ने ध्यान दिया कि बार का मालिक पास ही खड़ा हुआ था और बड़े ध्यान से उनकी बातचीत सुन रहा था। उस आदमी की मौजूदगी से उसे असहजता महसूस हुई, लेकिन अब जबकि उसे एक गाइड मिल गया था, वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। तुम्हें सहारा का पूरा रेगिस्तान पार करना होगा, नौजवान ने कहा, और इसके लिए तुम्हें पैसे की जरूरत होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा है। लड़के को यह सवाल विचित्र सा लगा,
लेकिन लड़के को बूढ़े की कही बात पर भरोसा था, जिसने कहा था कि जब तुम वाकई कुछ चाहते हो तो पूरा संसार हमेशा एकजुट होकर तुम्हारे पक्ष में योजना बनाने लगता है। उसने अपने बटुए से पैसा निकाला और नौजवान को दिखाया। बार का मालिक भी पास आकर देखने लगा। उन दोनों आदमियों ने आपस में अरबी में कुछ कहा, जिससे बार का मालिक कुछ चिढ़ा हुआ सा दिखाई दिया। हम यहाँ से बाहर चलते हैं, नवागंतुक ने कहा। वह चाहता है हम जाएं। लड़के ने राहत की सांस ली। वह बिल का भुगतान करने खड़ा हुआ, लेकिन बार मालिक ने उसे पकड़ लिया और नाराज होता हुआ उस पर बरस पड़ा। लड़का हट्टा कट्टा था और वह उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था, लेकिन फिर यह सोचकर उसने इरादा बदल दिया कि वह एक पराए मुल्क में था। उसके नए दोस्त ने मालिक को परे धकेल दिया और लड़के का हाथ खींचता हुआ उसे बाहर ले आया। वह तुम्हारा पैसा हड़पना चाहता था, उसने कहा। तंजियर अफ्रीका की बाकी जगहों जैसा नहीं है, यह बंदरगाह है और हर बंदरगाह के अपने चोर होते हैं। लड़के के मन में अपने इस नए दोस्त पर भरोसा जागा। उसने एक खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने में उसकी मदद की थी। उसने अपने पैसे निकाले और उनको गिना। हम कल तक पिरामिडों पर पहुंच सकते हैं, नौजवान ने पैसे लेते हुए कहा, लेकिन इसके पहले मुझे 2 ऊंट खरीदने होंगे। वे टेंजियार की सैंकड़ी गलियों में चल पड़े। हर कहीं तरह तरह के सामान की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी। वे एक विशाल चौक के बीच पहुंचे जहां बाजार लगा हुआ था। वहां हजारों की तादाद में लोग आपस में बहस कर रहे थे, सामान खरीद और बेच रहे थे। चाकू छुरों के बीच सब्जियां बिक रही थी। तंबाकू के साथ साथ बेचे जाने के लिए कालीन प्रदर्शित थे। लेकिन लड़का पूरे समय अपनी आंखें अपने नए दोस्त पर जमाए हुए था। आखिरकार उसका सारा पैसा उसी के पास था। पहले तो उसके मन में आया था कि उससे पैसा वापस मांग ले, लेकिन फिर उसे लगा कि यह दोस्ताना रवैया नहीं होगा। उसे उस पराए मुल्क के दस्तूरों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं सिर्फ उस पर निगाह रखूंगा, उसने मन ही मन कहा। वह जानता था कि वह अपने इस दोस्त से कहीं ज्यादा मजबूत है। अचानक इस सारी उधेड़ बुन के बीच उसे एक ऐसी बेहद खूबसूरत तलवार दिखाई दी, जैसी उसने कभी नहीं देखी थी। उसकी म्यान पर चांदी की पच्चीकारी थी और उसकी मूठ काली थी तथा उस पर बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे। लड़के ने मन ही मन तय किया कि मिस्र से लौटने के बाद यह तलवार खरीद लेगा। जरा उस दुकानदार से पूछो कि वह तलवार कितने की है, उसने अपने दोस्त से कहा। तभी उसे एहसास हुआ कि तलवार देखने के चक्कर में उसका ध्यान कुछ क्षणों के लिए भटक गया था। उसका दिल अंदर धस गया, जैसे उसकी छाती ने उसे सहसा जोर से दबा दिया हो। वह निगाहें दौड़ाकर देखने से डर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसका नतीजा क्या होगा। वह कुछ देर और उस खूबसूरत तलवार को देखता रहा, तब जाकर गर्दन घुमाने की हिम्मत जुटा पाया। उसके चारों तरफ बाजार था, लोग आ जा रहे थे, आवाजें लगा रहे थे और खरीदारी कर रहे थे, और वातावरण में खाने की चीजों की अजीबोगरीब गंध फैली हुई थी। लेकिन उसे अपना वह नया साथी कहीं दिखाई नहीं दिया। लड़का खुद को विश्वास दिलाना चाहता था कि उसका दोस्त संयोगवश उससे जुदा हो गया है। उसने तय किया कि वह वहीं रुककर उसका इंतजार करेगा। वह इंतजार ही कर रहा था कि तभी एक मौलवी पास की एक मीनार पर चढ़कर अजान देने लगा। बाजार के सारे लोग अपने अपने घुटनों पर झुक गए। उन्होंने अपने माथे जमीन पर टिका दिए और खुद भी नमाज पढ़ने लगे। इसके बाद सारे के सारे दुकानदारों ने कामकाजी चींटियों की तरह अपनी दुकानें समेटी और वहां से चल पड़े। सूरज भी विदा ले रहा था। लड़के की निगाहें कुछ देर डूबती सूरज की राह की पीछा करती रही। आखिर वह चौक को घेरते सफेद मकानों के पीछे ओझल हो गया। उसने याद किया कि सुबह जब यह सूरज उगा था, तब वह एक दूसरे महाद्वीप पर था। 60 भेड़ों को हाँकता एक चरवाहा था और एक लड़की से मिलने जाने का इंतजार कर रहा था। उस सुबह जाने पहचाने मैदानों से गुजरते हुए उसे उस एक एक घटना के बारे में पता था जो उसके साथ होने वाली थी।
लेकिन अब जब सूरज डूबने को था, वह एक बिल्कुल अलग मुल्क में था, एक अजनबी मुल्क के बीच एक अजनबी, जहाँ की जबान तक वह नहीं बोल सकता था। अब वह गड्डिया नहीं रह गया था और अब उसके हाथ में कुछ नहीं था, पैसा भी नहीं था कि वह वापस लौट सकता और सब कुछ नए सिरे से शुरू कर सकता। यह सब कुछ सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच घटित हो गया था, लड़के ने सोचा। उसे खुद पर दया आ रही थी और वह अपनी जिंदगी के इस तरह अचानक और जबरदस्त ढंग से उलट पुलट हो जाने को लेकर मन ही मन विलाप कर रहा था। उसे इस कदर शर्म आ रही थी कि उसका मन रोने को कर रहा था। वह कभी अपनी भेड़ों तक के सामने नहीं रोया था, लेकिन बाजार सूना पड़ा था और वह घर से बहुत दूर था, इसलिए वह रोने लगा। वह रो रहा था क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ नाइंसाफी की थी, और यह सोचकर रो रहा था कि अपने सपनों में विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर इस तरह का फल देता है। जब मेरे पास मेरी भेड़े थी तब मैं सुखी था और अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाता था। लोग मुझे करीब आता देख मेरा स्वागत करते थे, उसने सोचा। लेकिन अब मैं दुखी और अकेला हूँ। अब मैं दूसरों के प्रति कड़वाहट और अविश्वास से भर जाने वाला हूँ, क्योंकि एक इंसान ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं उन लोगों से नफरत करने लगूंगा जिनको उनके खजाने मिल गए होंगे, क्योंकि मुझे मेरा खजाना कभी नहीं मिलेगा। अब जो कुछ भी थोड़ा सा मेरे पास बचा है, मुझे उसी से संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना तुच्छ हूँ कि दुनिया को जीत पाना मेरे बूते की बात नहीं है। उसने इस उम्मीद से अपना थैला खोलकर देखा कि शायद उसमें कुछ बचा हो। हो सकता है उसमें उस सैंडविच का ही कोई टुकड़ा बचा हो जो उसने जहाज पर खाया था। लेकिन उसमें उस भारी भरकम पुस्तक, उसकी जैकेट और उन दो रत्नों के अलावा जो उस बूढ़ी ने दिए थे, और कुछ भी नहीं था। जब उसने उन रत्नों को देखा तो उसे किसी वजह से राहत महसूस हुई। उसने उसकी 6 भेड़ों के बदले उसे वे 2 रत्न अपने सोने के कवच से निकाल कर दिए थे। वह उन रत्नों को बेचकर वापसी का टिकट खरीद सकता है, लेकिन इस बार मैं अकेले से काम लूंगा, लड़की ने सोचा और उन रत्नों को थैले से निकालकर अपनी जेब में रख लिया। यह बंदरगाह का नगर था और उसके दोस्त ने उससे जो एकमात्र सच्ची बात कही थी वह यही थी कि बंदरगाहों के नगर चोरों से भरे होते हैं। अब उसे समझ में आया कि बार का मालिक इतना झल्लाया हुआ क्यों था। वह मुझसे यह कहने की कोशिश कर रहा था कि मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं भी वैसा ही हूँ जैसा हर कोई है। मैं दुनिया को उस रूप में देखता हूँ जिस रूप में उसे खोते हुए देखना चाहता हूँ, उस रूप में नहीं जैसी वह वास्तव में है। उसने उन रत्नों पर हल्के से हाथ फेरते हुए उनकी ताप और उनकी सतहों के स्पर्श को महसूस किया। वे उसका खजाना थे। उनको हाथ में लेने मात्र से वह बेहतर महसूस कर रहा था। वे उसे उस बूढ़ी की याद दिला रहे थे। जब तुम कुछ पाना चाहते हो तो सारा संसार उस चीज को हासिल करने में तुम्हारी मदद की योजना बनाने लगता है, उसने कहा था। लड़का उस बात की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा था जो बूढ़ी ने कही थी। वह सोने बाजार में खड़ा था। उसके पास एक धेला भी नहीं था जिसे वह अपना कह सकता, और न ही एक भीड़ थी जिसकी उसे रात में रखवाली करनी पड़ती। लेकिन वे रत्न इस बात का सबूत थे कि वह एक राजा से मिला था, राजा जो लड़के के अतीत के बारे में जानता था। इन्हें यूरीम और थुम्मीम कहा जाता है और ये भविष्य सूचक संकेतों को पढ़ने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लड़के ने रत्नों को वापस थैले में डाला और एक आजमाइश करने का फैसला किया। बूढ़ी ने कहा था कि तुम्हारे सवाल एकदम स्पष्ट होने चाहिए, और इसके लिए लड़के को यह जानना जरूरी था कि वह क्या जानना चाहता था। इसलिए उसने पूछा, क्या बूढ़े का आशीर्वाद अभी भी मेरे साथ है? उसने एक रत्न निकाला, वह हाँ था। क्या मुझे अपना खजाना मिलेगा? उसने पूछा। वह थैले में हाथ डालकर किसी एक रत्न को टटोलने लगा। उसके वैसा करने पर दोनों रत्न थैले के एक छेद से बाहर निकलकर जमीन पर गिर गए। लड़के ने कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि थैले में कोई छेद भी था। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया ताकि उनको उठाकर वापस थैले में डाल सकता, लेकिन उनको जमीन पर पड़े देखकर उसे एक और बात याद आई।
भविष्य सूचक संकेतों को पहचानना सीखो और उनका अनुसरण करो, बूढ़े राजा ने कहा था। एक भविष्य सूचक संकेत। लड़का मन ही मन मुस्कुराया। उसने दोनों रत्नों को वापस उठाया और वापस थैले में डाल दिया। उसने छेद को बंद करने के बारे में नहीं सोचा। वे रत्न जब चाहे छेद से बाहर निकलकर गिर सकते थे। वह जानता था कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके बारे में अपनी नियति से भागने के लिए सवाल नहीं पूछना चाहिए। मैंने वादा किया था कि अपने फैसले खुद ही लूंगा, उसने मन ही मन कहा। लेकिन उन रत्नों ने उसे बता दिया था कि वह बूढ़ा अभी भी उसके साथ है और इससे उसने और भी आत्मविश्वास महसूस किया। उसने एक बार फिर खाली चौक को चारों ओर निगाहें घुमाकर देखा। इस बार उसे पहले की तुलना में कम निराशा महसूस हुई। यह जगह अजनबी नहीं थी, यह नई जगह थी। आखिरकार वह हमेशा से यही तो चाहता रहा था, नई जगहों के बारे में जानना। यहाँ तक कि अगर वह पिरामिडों तक भी कभी ना पहुँच पाए तो भी वह इतनी दूर तक का सफर तय कर चुका था जितना उसकी जानकारी में किसी भी गड्ढिये ने नहीं किया था। काश कि उन्हें मालूम होता कि जहाँ वे हैं, वहाँ से जहाज से मात्र 2 घंटे की दूरी पर चीजें कितनी अलग है, उसने सोचा। हालांकि उसकी यह नई दुनिया फिलहाल एक सूना बाजार थी, लेकिन वह उसे उस वक्त देख चुका था जब वह जीवन की चहल पहल से भरी पूरी थी और उसे कभी नहीं भूल पाएगा। उसने उस तलवार को याद किया। उसके बारे में सोचते हुए थोड़ी तकलीफ पहुंची, लेकिन यह भी सच था कि उसने वैसी तलवार उसके पहले नहीं देखी थी। इन तमाम बातों के बारे में सोचते हुए उसे समझ में आया कि उसे इन 2 चीजों के बीच चुनाव करना होगा कि वह खुद को एक चोर का दयनीय शिकार समझे या अपने खजाने की खोज में लगा एक साहसिक यात्री समझे। मैं खजाने की खोज में लगा एक साहसिक यात्री हूँ, उसने खुद से कहा। उसे किसी ने झकझोर कर जगा दिया। वह बीच बाजार में सो गया था और अब चौक का जीवन फिर से शुरू होने को था। उसने चारों ओर देखते हुए अपनी भेड़ों को खोजा और फिर उसे एहसास हुआ कि वह एक नई दुनिया में है। लेकिन वह उदास होने की बजाय खुश था। अब उसको भेड़ों के लिए चारे और पानी की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय वह अब अपने खजाने की खोज पर निकल सकता था। उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन उसके अंदर आस्था थी। पिछली रात उसने फैसला किया था कि वह वैसा ही एक साहसिक यात्री बनेगा जैसे यात्रियों के बारे में वह पुस्तकों में पढ़कर उनकी सराहना करता रहता था। वह धीरे धीरे बाजार से होकर गुजरने लगा। दुकानदार अपनी दुकानें जमा रहे थे और लड़के ने एक कैंडी विक्रेता की दुकान सजाने में मदद की। कैंडी विक्रेता के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह खुश था। वह अपनी जिंदगी के बारे में जानता था और एक और दिन का काम शुरू करने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी मुस्कुराहट ने लड़के को बूढ़े की याद दिला दी, वह रहस्यमय बूढ़ा राजा जिससे वह मिला था। ये कैंडी विक्रेता इसलिए कैंडी नहीं बना रहा है कि बाद में वह यात्राएं करेगा या किसी दुकानदार की बेटी से विवाह करेगा। वह इसलिए कैंडी बनाता है क्योंकि वह कैंडी बनाना चाहता है, लड़की ने सोचा। उसे लगा कि वह वही कर सकता है जो बूढ़ी ने किया था। इस बात को महसूस करना कि व्यक्ति अपने गंतव्य के नजदीक है या उससे दूर, महज उनकी ओर देखते हुए। यह कितना आसान है, तब भी मैंने यह पहले कभी नहीं किया, उसने सोचा। जब दुकान जम गई तो कैंडी विक्रेता ने उस दिन तैयार की गई पहली कैंडी लड़के को भेंट की। लड़के ने उसका शुक्रिया अदा किया, कैंडी खाई और वहां से चला गया। अभी वह कुछ ही दूर गया था तो उसे एहसास हुआ कि जब वे दुकान जमा रहे थे तो उनमें से एक अरबी और दूसरा स्पेनिश बोल रहा था और वे एक दूसरे की बात बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी भाषा निश्चय ही है जो शब्दों पर निर्भर नहीं करती, लड़के ने सोचा। यह चीज मैं अपनी भेड़ों के साथ पहले ही अनुभव कर चुका हूँ और अब यही चीज लोगों के मामले में भी हो रही है। वह ढेरों नई चीजें सीख रहा था। उनमें से कुछ चीजें ऐसी थी जिनको वह पहले अनुभव कर चुका था और वे वास्तव में नई नहीं थी,
लेकिन उसने पहले उनको उस तरह समझा नहीं था और उनको इसलिए नहीं समझा था क्योंकि उसको उनकी आदत पड़ चुकी थी। उसे एहसास हुआ, अगर मैं बिना शब्दों वाली इस भाषा को समझना सीख लेता हूँ तो मैं दुनिया को समझना सीख सकता हूँ। उसने तनाव मुक्त होकर और बिना हड़बड़ी के टेंजियार की सैंकड़ी गलियों में चलने का निश्चय कर लिया। सिर्फ रास्ते में ही वह भविष्य सूचक संकेतों को पढ़ पाएगा। वह जानता था कि इसके लिए बहुत अधिक धीरज की जरूरत होगी, लेकिन गडरिये धीरज से काफी परिचित होते हैं। उसने एक बार फिर देखा कि उस पराए मुल्क में वह उन्हीं सीखों से काम ले रहा था जो उसने अपनी भेड़ों से सीखी थी। सब बातें एक जैसी ही है, बूढ़े ने कहा था। क्रिस्टल का सामान बेचने वाला दुकानदार दिन होते ही जाग गया और उसने वैसे ही बेचैनी महसूस की जैसी वह हर सुबह महसूस करता था। वह 30 सालों से एक ही जगह पर अटका हुआ था। उसकी दुकान एक पहाड़ी रास्ते की चोटी पर थी जहाँ से बहुत थोड़े से ग्राहक गुजरते थे। अब इतनी देर हो चुकी थी कि कुछ भी नहीं बदला जा सकता था। उसने केवल एक ही चीज सीखी हुई थी और वह थी क्रिस्टल के बर्तनों को खरीदना और बेचना। एक समय था जब बहुत से लोग उसकी दुकान के बारे में जानते थे। अरब के सौदागर, फ्रांसीसी और अंग्रेज भूगर्भ शास्त्री, जर्मन सैनिक जो हमेशा दौलतमंद हुआ करते थे। उन दिनों में स्फटिक बेचना अद्भुत काम हुआ करता था और वह सोचा करता था कि वह अमीर बन जाएगा और जब बूढ़ा होगा तो उसके साथ खूबसूरत औरतें हुआ करेंगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, टेंजियार बदलता गया। पास का नगर सेउटा टेंजियार से ज्यादा तेजी से तरक्की करता गया था और उसके कारोबार में गिरावट आती गई थी। पड़ोस के लोग यहाँ वहाँ चले गए थे और पहाड़ी पर थोड़ी सी छोटी मोटी दुकानें ही बची रही थी और कोई नहीं था जो उन मुट्ठी भर दुकानों में सामान की छानबीन करने के लिए पहाड़ पर चढ़ता। लेकिन स्फटिक के दुकानदार के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने स्फटिक का सामान खरीदते बेचते हुए अपने जीवन के 30 साल गुजार दिए थे और अब इतनी देर हो चुकी थी कि और कोई धंधा करना मुमकिन नहीं था। सड़क पर गाहे बगाहे लोगों का आना जाना देखते हुए उसने पूरी सुबह गुजार दी। वह वर्षों से यही करता आया था और हर आने जाने वाले के कार्यक्रम से परिचित था। लेकिन दोपहर के भोजन का वक्त होने से ठीक पहले वह लड़का दुकान के सामने आकर रुका। उसने कपड़े तो सामान्य ढंग के ही पहन रखे थे, लेकिन स्फटिक के दुकानदार की अनुभवी निगाहें देख सकती थी कि लड़के के पास खरीदारी करने के लिए पैसा नहीं था। तब भी दुकानदार ने लड़के के चले जाने तक अपना दोपहर का भोजन मुलतवी रखने का फैसला किया। दुकान के दरवाजे पर लटकती तख्ती में कहा गया था कि दुकान में कई जबानें बोली जाती है। लड़के को काउंटर पर एक आदमी नजर आया। अगर आप चाहे तो मैं शोकेस में रखे शीशे के बर्तनों को साफ कर सकता हूँ, लड़के ने कहा। उनकी हालत देखकर उनको कोई नहीं खरीदेगा। आदमी बिना कोई जवाब दिए उसकी ओर देखता रहा। बदले में आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं, आदमी ने तब भी कुछ नहीं कहा। लड़के को लगा कि उसे ही कोई ना कोई फैसला लेना होगा। उसके थैले में उसकी जैकेट थी। रेगिस्तान में निश्चय ही उसे उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। उसने जैकेट निकालकर शीशों को साफ करना शुरू कर दिया। आधा घंटे में उसने शोकेस में रखे सारे बर्तन साफ कर दिए और जिस दौरान वह इस काम में लगा हुआ था उसी बीच 2 ग्राहक दुकान में आकर कुछ सामान खरीद ले गए। जब उसने सफाई का काम निपटा दिया तो उसने उस आदमी से खाने के लिए कुछ मांगा। आओ हम कुछ खाते हैं, दुकानदार ने कहा। उसने दरवाजे पर भोजनावकाश की सूचना पट्टी लटकाई और वे पास के एक छोटे से कैफे में चले गए। वहां पड़ी एकमात्र मेज पर बैठे हुए स्फटिक का दुकानदार हंस पड़ा। तुम्हें कोई सफाई करने की जरूरत नहीं थी, उसने कहा। कुरान मुझसे तकाजा करती है कि मैं भूखे आदमी को खिलाऊं। वाह, तब फिर आपने मुझे वह काम क्यों करने दिया, लड़के ने पूछा। क्योंकि सामान गंदा हो गया था और तुम्हें और मुझे दोनों को ही अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से साफ करना जरूरी था,
जब उन्होंने भोजन कर लिया तो दुकानदार ने लड़के की ओर देखकर कहा, मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरी दुकान में काम करोगे। जब तुम काम कर रहे थे तब दो ग्राहक आए थे और यह एक अच्छा शगुन है। लोग शगुनों के बारे में बहुत बात करते हैं, गड्रिये ने सोचा, लेकिन वे वाकई जानते नहीं हैं कि वे क्या कह रहे हैं। जैसे कि मुझे ही इस बात का कभी एहसास नहीं था कि मैं वर्षों अपनी भेड़ों से एक ऐसी जबान में बात करता रहा जिसमें कोई शब्द ही नहीं थे। तुम मेरी दुकान पर काम करना चाहोगे? दुकानदार ने पूछा। मैं आज बाकी पूरे दिन काम कर सकता हूँ, लड़के ने जवाब दिया। मैं सुबह होने तक पूरी रात काम करूंगा और आपकी दुकान के एक एक सामान को साफ कर दूंगा। बदले में मुझे कल मिस्र जाने के लिए पैसे की जरूरत होगी। व्यापारी हंस पड़ा। अगर तुम पूरे साल भर तक मेरी दुकान में कांचों की साफ सफाई का काम करते रहो, यहाँ तक कि तुम दुकान की सारी चीजें बिकवा कर अच्छा खासा कमीशन भी कमा डालो, तब भी तुम्हें मिस्र जाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। यहाँ और वहाँ के बीच हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान फैला हुआ है। कुछ पल खामोशी छाई रही जो इतनी गहरी थी कि लगता था सारा शहर सोया हुआ हो। बाजारों की कोई आवाजें नहीं, दुकानदारों के बीच कोई बहस मुबहसा नहीं, मीनारों पर चढ़कर अजान देने वाला कोई शख्स नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई साहसिक कारनामा नहीं, कोई बूढ़ा राजा या नियतिया नहीं, कोई खजाना नहीं, कोई पिरामिड नहीं। ऐसा लगता था जैसे दुनिया खामोश हो गई हो, क्योंकि लड़के की आत्मा खामोश हो गई थी। वह वहां बैठा हुआ सोनी निगाहों से कैफे के दरवाजे के बाहर देख रहा था और कामना कर रहा था कि काश वह मर जाता और सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता। दुकानदार परेशान नजरों से लड़के की ओर देख रहा था। वह सारा का सारा उल्लास जो सुबह उसने देखा था वह गायब हो चुका था। मेरे बच्चे, मैं तुझे इतना पैसा दे सकता हूँ कि तू अपने मुल्क वापस लौट सके, स्फटिक के दुकानदार ने कहा। लड़के ने कुछ नहीं कहा। वह उठा, अपने कपड़े ठीक किए और अपना थैला उठा लिया। मैं आपके लिए काम करूंगा, उसने कहा। फिर एक और लंबी खामोशी के बाद उसने कहा, मुझे कुछ भेड़ खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। मैं जल्दी से जल्दी अपनी भेड़ों के पास लौटना चाहता हूँ। जब किस्मत हमारे साथ हो तो हमें उसका फायदा उठाना जरूरी है और हमें उसकी इतनी ही मदद करनी चाहिए जितनी मदद वह हमारी कर रही हो। इसे अनुकूलता का सिद्धांत कहते हैं, या शुरुआत करने वाले की किस्मत। व्यापारी कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने कहा, पैगंबर ने हमें कुरान दी थी और हमें 5 फर्ज दिए थे जिन्हें हमें अपनी जिंदगी में अदा करने होते हैं। इनमें सबसे अहम फर्ज है सिर्फ एक सच्चे खुदा में भरोसा। दूसरे फर्ज है दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रमजान के दौरान रोजे रखना और गरीबों के प्रति दरिया दिली रखना। इतना कहकर वह रुक गया। पैगंबर के बारे में बात करते हुए उसकी आंखें छलछला रही थी। वह एक अकीदतमंद इंसान था और अपने सारे उतावलेपन के बावजूद वह अपनी जिंदगी इस्लाम के कायदों के मुताबिक जीना चाहता था। 5वां फर्ज क्या है? लड़के ने पूछा। 2 दिन पहले तुमने कहा था कि क्या मैंने कभी सफर का ख्वाब नहीं देखा? व्यापारी ने जवाब दिया। हर मुसलमान का 5वां फर्ज है हज। हमारा फर्ज है कि हम जिंदगी में कम से कम एक बार पाक शहर मक्का जाए। मक्का पिरामिडों से भी बहुत दूर है। जब मैं जवान था तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं इतना पैसा जमा कर लूं कि यहाँ दुकान खोल सकूं। मैं सोचता था कि एक दिन मैं अमीर हो जाऊंगा और मक्का जा सकूंगा। मैंने कुछ पैसा इकट्ठा करना शुरू भी कर दिया था, लेकिन मैं इस दुकान को किसी के जिम्मे छोड़कर जाने का मन नहीं बना सका। क्रिस्टल के बर्तन नाजुक होते हैं। वही मेरी दुकान के सामने से गुजरते हुए लोग मक्का की ओर जा रहे होते थे। उनमें से कुछ अमीर हज यात्री होते थे जो नौकरों और ऊंटों के साथ के कारवे में जा रहे होते थे, लेकिन ज्यादातर हज यात्री मुझसे ज्यादा गरीब होते थे। वे सब जो वहां से आए होते थे बहुत खुश होते थे। वे हज की निशानियों को अपने दरवाजों पर लटकाते थे। उनमें से एक मोची था जो जूतों की मरम्मत कर अपना गुजर बसर करता था।
उसका कहना था कि उसने करीब एक साल तक रेगिस्तान का सफर किया था, लेकिन उससे ज्यादा थकान उसको तब होती थी जब उसे चमड़ा खरीदने टेंजियर की सड़कों से होकर गुजरना पड़ता था। तो आप अभी क्यों नहीं हो आते मक्का, लड़के ने पूछा। क्योंकि यह मक्का का ख्याल है जो मुझे जिंदा रखे हुए है, इसी के सहारे मैं इन दिनों का सामना करता हूँ जो एक जैसे होते हैं। शेल्फों में रखे हुए ये क्रिस्टल के गूंगे बर्तन, उसी भयानक कैफे में रोज रोज लंच और डिनर खाना। मुझे डर है कि अगर मेरा सपना पूरा हो गया तो मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं रह जाएगी। तुम अपनी भेड़ों और पिरामिडों के बारे में ख्वाब देखते हो, लेकिन तुम मुझसे जुदा हो क्योंकि तुम अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हो। मैं तो मक्का का सिर्फ ख्वाब देखना चाहता हूँ। मैंने हजारों बार रेगिस्तान को पार करने की पाक चट्टान के चौक पर पहुँचने का ख्वाब देखा है। अपने इस ख्वाब में मैंने उसे छूने से पहले 7 बार उसका चक्कर लगाया है। मैंने उन लोगों की कल्पना की है जो मेरी बगल में होंगे, जो मेरे सामने होंगे, और उस बातचीत तथा नमाज की कल्पना की है जो मैं उन लोगों के साथ मिलकर करूँगा। लेकिन मुझे डर है कि आखिर में यह सब निराशा में बदल जाएगा, इसलिए मैं इसका ख्वाब देखना ही बेहतर समझता हूँ। उस दिन व्यापारी ने लड़के को डिस्प्ले केस तैयार करने की इजाज़त दे दी। हर किसी का सपना एक ही तरह से साकार नहीं हो सकता। 2 और महीने इसी तरह बीत गए और उस डिस्प्ले शेल्फ की वजह से क्रिस्टल की दुकान में बहुत से ग्राहक आए। लड़के ने हिसाब लगाया कि अगर वह 6 महीने और इसी तरह काम करता रहा तो वह स्पेन वापस लौटकर 60 भेड़े तो खरीद ही लेगा, 60 और भी भेड़े खरीद लेगा। साल भर से भी कम के समय में वह अपनी भेड़ों की संख्या दुगनी कर लेगा और वह अरबों के साथ कारोबार कर सकेगा, क्योंकि अब वह उनकी अजीबोगरीब जबान बोल सकता था। बाजार की उस सुबह के बाद उसने दोबारा यूरीम और थुम्मीम का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि मिस्र अब उसके लिए उतना ही दूर का सपना था जितना उस दुकानदार के लिए मक्का था। खैर, लड़का अब अपने काम से खुश रहने लगा था और सारे समय उस दिन के बारे में सोचता रहता था जब वह एक विजेता के रूप में टेरिफा में जहाज से उतरेगा। तुम्हें हमेशा से यह मालूम होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, बूढ़ी राजा ने कहा था। लड़का जानता था और अब उसी दिशा में काम कर रहा था। मुमकिन है उसका एक अजनबी मुल्क में जा पहुँचना, एक चोर से टकराना और एक दहला खर्च किए बिना अपनी भेड़ों की संख्या को दुगुना कर लेना ही उसका खजाना हो। उसे खुद पर गर्व था। उसने कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी थी, जैसे कि क्रिस्टल से किस तरह बरतना चाहिए और बिना शब्दों की जबान और भविष्य सूचक संकेतों के बारे में। एक दिन दोपहर बाद उसने पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर आए एक आदमी को देखा था जो शिकायत कर रहा था कि इतना चढ़ने के बाद भी उसको कोई ऐसी ठीक ठाक जगह मिलना नामुमकिन लग रहा था जहां उसे कुछ पीने को मिल सकता। लड़का भविष्य सूचक संकेतों को पहचानने का अभ्यस्त हो चुका था, इसलिए उसने दुकानदार से बात की। क्यों ना हम उन लोगों को चाय बेचा करें जो पहाड़ी चढ़कर आते हैं। यहाँ ढेरों लोग हैं जो चाय बेचते हैं, दुकानदार ने कहा। लेकिन हम क्रिस्टल की गिलासों में चाय बेच सकते हैं, लोग चाय का आनंद लेंगे और गिलास भी खरीदना चाहेंगे। मैंने सुना है कि खूबसूरती इंसान को लुभाने वाली सबसे बड़ी चीज है। दुकानदार ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस शाम नमाज पढ़ने और दुकान बंद करने के बाद उसने लड़के को अपने साथ हुक्का पीने का न्योता दिया। यह एक विचित्र किस्म का पाइप था जो अरब लोग पिया करते थे। तुम चाहते क्या हो, बूढ़े दुकानदार ने पूछा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुझे अपनी भेड़े वापस खरीदनी है और इसके लिए मुझे पैसा कमाना जरूरी है। दुकानदार ने हुक्के में कुछ और अंगारे डाले और एक गहरा कश लिया। मेरे इस दुकान को 30 साल हो चुके हैं, मुझे अच्छे और बुरे क्रिस्टल की परख है और क्रिस्टल के बारे में जानने लायक हर चीज जानता हूँ। मैं इसके पहलुओं से और इसके काम करने के ढंग से वाकिफ हूँ। अगर हम क्रिस्टल में चाय देना शुरू कर देंगे तो दुकान फैलेगी और मुझे अपनी जिंदगी का ढर्रा बदलना पड़ेगा। हाँ तो क्या यह अच्छा नहीं है, मुझे तो जैसा चल रहा है उसकी आदत पड़ चुकी है,
तुम्हारे आने से पहले मैं सोचता था कि मैंने एक ही जगह पर बने रहते हुए कितना वक्त बर्बाद कर दिया है, जबकि मेरे साथी नए नए कामों में लग गए और या तो वे दिवालिया हो गए या पहले से बेहतर हालत में आ गए। यह सोचकर मैं बहुत मायूस हो जाया करता था। अब मैं समझ सकता हूँ कि यह बहुत बुरा नहीं रहा। मेरी दुकान ठीक उतनी ही बड़ी है जितनी मैं चाहता था। मैं कुछ भी बदलना नहीं चाहता क्योंकि मैं नहीं जानता कि किस तरह के बदलाव से मैं कैसे निपटूंगा। मैं जैसा हूँ उसकी मुझे आदत पड़ चुकी है। लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। बूढ़े ने अपनी बात जारी रखी। तुम मेरे लिए एक सच्ची नेमत साबित हुए हो। आज मैं ऐसा कुछ समझने लगा हूँ जो मैं पहले नहीं जानता था। अगर तुम किसी नेमत को नजरअंदाज करते हो तो वह एक बद्दुआ बन जाती है। अब मैं जिंदगी में और कुछ नहीं चाहता। तुम मुझे ऐसी दौलत और मंजरों की ओर देखने को मजबूर कर रहे हो जिनको मैंने कभी नहीं देखा। अब जबकि मैंने उन्हें देख लिया है, मैं उससे बदतर महसूस करूंगा जैसा तुम्हारे आने से पहले करता था, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि मैं क्या हासिल करने के काबिल हूँ और तब भी उसे हासिल नहीं करना चाह रहा हूँ। अच्छा ही हुआ कि टेरिफा में मैंने उस बेकरी वाले से कुछ नहीं कहा, लड़के ने मन ही मन सोचा। वे उसी तरह कुछ देर हुक्का गुड़गुड़ाते रहे और उधर सूरज ढलने लगा। वे अरबी में बतिया रहे थे और लड़का इससे फक्र महसूस कर रहा था। एक ऐसा भी वक्त रहा था जब वह सोचता था कि उसकी भेड़ें ही उसे दुनिया की सारी जानने लायक चीजें सिखा सकती है, लेकिन वे उसको अरबी तो कभी नहीं सिखा पाती। शायद दुनिया की कई और भी ऐसी चीजें हैं जो मुझे भेड़ें नहीं सिखा सकती, लड़के ने उस बूढ़े दुकानदार को ध्यान मिलाते हुए सोचा। सच तो यह है कि वे सिर्फ चारे और पानी की तलाश ही करती रहती है, और मुमकिन है कि वे मुझे कुछ भी ना सिखाती रही हो, बल्कि मैं ही उनसे सीखता रहा हूँ। मक्तूब, अंत में व्यापारी ने कहा, इसका क्या मतलब होता है? यह समझने के लिए तुम्हें एक अरब के रूप में पैदा होना जरूरी था, उसने जवाब दिया, लेकिन तुम्हारी जबान में इसका मतलब कुछ इस तरह होगा कि यह पहले से लिखा हुआ है। हुक्के के अंगारों को राख से ढकते हुए उसने लड़की से कहा कि तुम क्रिस्टल के गिलासों में चाय बेचना शुरू कर सकते हो। कभी कभी दरिया के सैलाब को रोकने का कोई तरीका नहीं होता। लोग पहाड़ी पर चढ़ते थे और ऊपर पहुंचने पर थक जाते थे, लेकिन उन्हें वहां एक क्रिस्टल की दुकान दिखती थी जो ताजगी से भर देने वाली पुदीने वाली चाय बेचती थी। वे वहां वह चाय पीने जाते जो खूबसूरत क्रिस्टल के गिलासों में पेश की जाती थी। मेरे बीवी के दिमाग में यह बात कभी नहीं आई, एक आदमी ने कहा, और उसने क्रिस्टल के कुछ बर्तन खरीदे। उस रात वह कुछ मेहमानों को दावत देने वाला था और उसने सोचा कि उसके मेहमान कांच के उन बर्तनों से प्रभावित होंगे। दूसरे आदमी ने कहा कि चाय जब क्रिस्टल के गिलासों में पेश की जाती है तो वह हमेशा जायकेदार होती है, क्योंकि उन गिलासों में उसकी महक कायम रहती है। तीसरे ने कहा, पूरब में तो क्रिस्टल के गिलासों में चाय देने का रिवाज है क्योंकि उसमें तिलिस्मी ताकत होती है। जल्दी ही यह खबर फैल गई और लोग उस दुकान को देखने पहाड़ी चढ़ने लगे जो इतनी पुरानी होती हुई भी कारोबार के क्षेत्र में नया कुछ कर रही थी। दूसरी दुकानें भी खुल गई जो क्रिस्टल के गिलास में चाय देती थी, लेकिन वे पहाड़ी के चोटी पर नहीं थी और उनका धंधा बहुत कम चलता था। आखिरकार व्यापारी को दो और कर्मचारियों को काम पर रखना पड़ा। उसने क्रिस्टल के बर्तनों के साथ साथ बड़ी तादाद में चाय मंगानी शुरू कर दी और नए पन की चाह से भरे मर्द और औरतें उसकी दुकान खोजते हुए आने लगे, और इसी तरह महीनों गुजर गए। लड़का पौ फटने से पहले ही उठ गया। अफ्रीकी महाद्वीप में कदम रखे हुए उसको पूरे 11 महीने और 9 दिन हो चुके थे। उसने सफेद लिनन की अरबी शैली की पोशाक पहनी जो उसने खास इसी दिन के लिए खरीदी थी। सिर ढकने के कपड़े को ऊंट की खाल से बने छल्ले में कस लिया। अपनी नई जूतियां पहनकर वहां हल्के कदमों से सीढ़ियां उतरने लगा। शहर अभी भी सोया हुआ था। उसने अपने लिए एक सैंडविच तैयार किया और क्रिस्टल के एक गिलास में थोड़ी सी गर्म चाय पी। इसके बाद वह दरवाजे पर आकर धूप में बैठ गया और हुक्का पीने लगा। वह धीरे धीरे हुक्का गुड़गुड़ा रहा था।
कतई कुछ भी ना सोचते हुए और उस हवा की आवाज को सुनते हुए जो रेगिस्तान की महक लेकर आ रही थी। जब वह हुक्का पी चुका तो उसने अपनी एक जेब में हाथ डाला और कुछ देर वही बैठा उस चीज को देखता रहा जो उसने जेब से निकाली थी। वह नोटों की एक गड्डी थी। यह पैसा इतना पर्याप्त था कि वह 120 फेरे और वापसी का टिकट खरीद सकता था और अपने मुल्क के लिए अफ्रीका से सामान मंगाने का लाइसेंस हासिल कर सकता था। वह दुकानदार के जागने और दुकान खोलने का धीरज से इंतजार करता रहा। उसके बाद वे दोनों चाय पीने लगे। आज मैं निकल रहा हूँ, लड़के ने कहा। मेरे पास भेड़े खरीदने के लिए पैसा है और आपके पास मक्का जाने के लिए पैसा है। बूढ़ी ने कुछ नहीं कहा। क्या आप मुझे आशीर्वाद देंगे, लड़के ने पूछा। आपने मेरी मदद की है। आदमी चुपचाप अपनी चाय बनाता रहा, फिर वह लड़के की ओर मुड़ा। मुझे तुम पर नाज है, उसने कहा। तुमने मेरी क्रिस्टल की दुकान को एक नए एहसास से भर दिया है, लेकिन तुम जानते हो कि मैं मक्का जाने वाला नहीं हूँ, वैसे ही जैसे कि तुम जानते हो कि तुम भेड़े खरीदने वाले नहीं हो। यह आपसे किसने कहा, लड़के ने चौंकते हुए पूछा। मक्तूब, क्रिस्टल के बूढ़े दुकानदार ने कहा और उसने लड़के को आशीर्वाद दिया। लड़के ने अपने कमरे में जाकर अपना सामान बांधा। सामान से 3 बोरे भर गए थे। निकलते समय उसने कमरे के एक कोने में अपना गडरिया वाला थैला देखा। वह बंधा पड़ा था और उसने उसके बारे में अरसे से नहीं सोचा था। उसने थैले से अपनी जैकेट निकालते हुए मन ही मन सोचा कि वह उसे रास्ते में किसी को दान कर देगा। तभी उसमें से वे रक्त निकलकर फर्श पर गिरे, यूरिन और थुम्मीम। उन्हें देखकर लड़का बूढ़े राजा के बारे में सोचने लगा और इस एहसास से उसे हैरत हुई कि उसे उस राजा के बारे में सोचे हुए कितना लंबा अरसा गुजर गया है। लगभग 1 साल से लगातार काम करते हुए वह सिर्फ कुछ पैसा जमा करने के बारे में ही सोचता रहा था, ताकि वह फख्र के साथ स्पेन वापस लौट सके। ख्वाब देखना कभी बंद मत करना, बूढ़े राजा ने कहा था। भविष्य सूचक संकेतों के मुताबिक चलते रहो। लड़के ने यूरिम और थुम्मीम उठाए और एक बार फिर से उसे यह अजीब सा एहसास हुआ कि वह बूढ़ा राजा पास में ही कहीं है। उसने साल भर तक कड़ी मेहनत की थी और भविष्य सूचक संकेत यही कह रहे थे कि अब जाने का वक्त आ गया है। अब मैं फिर से वही करने जा रहा हूँ जो मैं पहले किया करता था, लड़के ने सोचा। भले ही भेड़े ने मुझे अरबी बोलना नहीं सिखाया, लेकिन भेड़ों ने उसे इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज सिखाई थी। वह यह थी कि दुनिया में एक ऐसी जबान है जो हर कोई समझता है। वह जबान जिसका इस्तेमाल लड़के ने उस सारे वक्त में किया था जब वह दुकान की हालत सुधारने की कोशिश कर रहा था। यह जबान थी जोशो खरोश की, प्रेम और ध्येय के साथ चीजों को अमल में लाने की, और किसी ऐसी चीज की खोज का हिस्सा थी जिसमें वह विश्वास करता था और जिसकी आकांक्षा करता था। टैंजियर अब अजनबी शहर नहीं रह गया था और उसने महसूस किया कि जिस तरह उसने इस जगह को जीत लिया है, उसी तरह वह दुनिया को जीत लेगा। जब तुम कुछ पाना चाहते हो तो सारा संसार उस चीज को हासिल करने में एकजुट होकर तुम्हारी मदद की योजना बनाने लगता है, बूढ़े राजा ने कहा था। लेकिन बूढ़े राजा ने चोरी का शिकार होने के बारे में कुछ नहीं कहा था, या अंतहीन रेगिस्तान के बारे में, और न ही ऐसे लोगों के बारे में जो अपने ख्वाबों के बारे में तो जानते हैं लेकिन जो उन ख्वाबों को पूरा नहीं करना चाहते। बूढ़े राजा ने उसे यह नहीं बताया था कि पिरामिड महज पत्थरों का एक ढेर है, या यह कि ऐसा एक पिरामिड कोई अपने घर के पिछवाड़े भी खड़ा कर सकता है। और वह इस बात का जिक्र करना भी भूल गया था कि जब तुम्हारे पास इतना पैसा हो जाए कि तुम उससे ज्यादा भेड़े खरीद सकते हो जितने कि तुम्हारे पास अभी है, तो तुम्हें उनको खरीद लेना चाहिए। लड़के ने अपना थैला उठाया और उसे भी अपनी दूसरी चीजों के साथ रख लिया। वह नीचे गया और उसने देखा कि दुकानदार एक विदेशी दंपति को सामान बेच रहा था और 2 ग्राहक दुकान में आकर क्रिस्टल के गिलासों में चाय पी रहे थे। सुबह के इस वक्त ऐसी गहमा गहमी देखने में नहीं आती थी।
जहाँ वह खड़ा था वहाँ से उसने पहली बार देखा कि उस बूढ़े दुकानदार के बाल बूढ़े राजा के बालों से काफी कुछ मिलते जुलते थे। उसे उस कैंडी विक्रेता की मुस्कुराहट भी याद आई जब टेंजियर में उसका पहला दिन था और जब उसके पास ना तो खाने को कुछ था और ना जाने के लिए कोई ठिकाना था। वह मुस्कुराहट भी बूढ़े राजा की मुस्कुराहट जैसी ही थी। ये तो कुछ ऐसा है मानो वह राजा कभी यहाँ रहा हो और अपनी निशानियाँ छोड़ गया हो, उसने सोचा। और तब भी इनमें से कोई भी कभी उस बूढ़े राजा से नहीं मिला था। दूसरी तरफ यह भी था कि उसका कहना था कि वह हमेशा ऐसे लोगों की मदद करने को प्रकट हो जाता है जो अपनी नियति को पाना चाहते हैं। वह क्रिस्टल के दुकानदार को अलविदा किए बिना ही चला गया। वह वहां मौजूद दूसरे लोगों के सामने रोना नहीं चाहता था। उसे इस जगह की और यहाँ रहकर सीखी गई तमाम चीजों की बहुत याद सताने वाली थी। हालांकि उसमें पहले से ज्यादा आत्मविश्वास था और उसे लग रहा था कि वह दुनिया को फतेह कर सकता है। लेकिन मैं तो अपनी भेड़ों को पालने उन्हीं मैदानों में वापस जा रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ, उसने निश्चय के साथ मन ही मन कहा। लेकिन अब वह अपने इस फैसले से खुश नहीं था। उसने एक सपना पूरा करने की खातिर पूरे साल भर काम किया था और वह सपना मिनट दर मिनट कम महत्वपूर्ण होता जा रहा था। हो सकता है वह सपना वाकई उसका रहा ही ना हो, कौन जाने। क्रिस्टल के दुकानदार जैसा होना ही शायद बेहतर हो। कभी मक्का नहीं जाना और उसकी चाह में पूरा जीवन बिता देना, उसने एक बार फिर खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हुए सोचा। लेकिन उसने जैसे ही यूरीम और थुम्मीम को अपने हाथ में लिया, वैसे ही उन रत्नों ने उसके भीतर बूढ़े राजा की सामर्थ्य और इच्छा शक्ति का संचार कर दिया। संयोग से या हो सकता है यहाँ कोई भविष्य सूचक संकेत हो, लड़की ने सोचा। वह उसी कैफे में जा पहुंचा जिसमें उसने पहले दिन कदम रखे थे। वह चोर वहां नहीं था और कैफे के मालिक ने उसे एक कप चाय लाकर दी। मैं गंडरिया बनने के लिए कभी भी वापस जा सकता हूँ, लड़के ने सोचा। मैंने पेड़ों को पालना सीखा था और मैं भूला नहीं हूँ कि यह कैसे किया जाता है, लेकिन मुमकिन है कि मुझे मिस्र के पिरामिडों पर जाने का दूसरा मौका फिर कभी ना मिले। उस बूढ़े ने सोने का कवच पहन रखा था और वह मेरे अतीत के बारे में जानता था। वह वाकई एक राजा था, एक दूरदर्शी राजा। एंडलुसिया की पहाड़ियाँ सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर थी, जबकि उसके और पिरामिडों के बीच एक समूचा रेगिस्तान फैला हुआ था। लेकिन लड़के को लगा कि अपनी स्थिति को देखने का एक दूसरा ढंग भी है। वह अपने खजाने से 2 घंटे करीब भी तो है, इससे क्या फर्क पड़ता था कि वे 2 घंटे एक पूरे साल में फैल चुके थे। मैं जानता हूँ कि मैं अपनी भेड़ों के झुंड के पास वापस क्यों जाना चाहता हूँ, उसने सोचा। मैं भेड़ों को समझता हूँ, वे अब कोई समस्या नहीं है और वे अच्छी दोस्त हो सकती है। दूसरी तरफ मैं नहीं जानता कि रेगिस्तान दोस्ताना हो सकता है और मुझे अपने खजाने की खोज उसी रेगिस्तान में करनी होगी। अगर वह मुझे नहीं मिला तो भी मैं अपने घर तो कभी भी वापस जा सकता हूँ। आखिरकार मेरे पास काफी पैसा है और जितना समय जरूरी है उतना समय भी है, तब फिर क्यों ना जाया जाए। सहसा उसे अपार खुशी का एहसास हुआ। वह जब चाहे फिर से गडरिया बन सकता है, जब चाहे फिर से क्रिस्टल सेल्समैन बन सकता है। हो सकता है दुनिया में और भी छिपे हुए खजाने हो, लेकिन उसने एक ख्वाब देखा था और उसकी मुलाकात एक राजा से हो चुकी थी। ऐसा हर किसी के साथ तो नहीं होता। कैफे से निकलते हुए वह मन ही मन योजना बना रहा था। उसे याद आया कि क्रिस्टल के दुकानदार को माल पहुंचाने वाला एक व्यक्ति उन कारवाओं की मार्फत क्रिस्टल लाया करता था जो रेगिस्तान को पार कर आते थे। उसने यूरीम और थुम्मीम को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। इन्हीं 2 रत्नों की वजह से वह एक बार फिर से अपने खजाने की राह पर था। जब भी कोई अपनी नियति को हासिल करना चाहता है तो मैं हमेशा करीब होता हूँ, बूढ़े राजा ने कहा था। माल आपूर्ति करने वाले के गोदाम तक जाने और यह पता लगाने में कितना खर्च आएगा कि क्या पिरामिड वास्तव में इतने दूर है। वहां अंग्रेज एक ऐसी इमारत में एक बेंच पर बैठा हुआ था जिसमें जानवरों, पसीने और धूल की गंध भरी हुई थी। वहां कुछ कुछ एक माल गोदाम था
कुछ कुछ अस्तबल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं ऐसी जगह पर आ पहुंचूंगा। उसने रसायन शास्त्र की पत्रिका के पन्ने पलटते हुए सोचा। 10 साल यूनिवर्सिटी में बिताने के बाद आज मैं यहाँ हूँ, एक अस्तबल में, लेकिन मुझे चलते रहना होगा। वह भविष्य सूचक संकेतों में विश्वास करता था। उसके पूरे जीवन और पढ़ाई लिखाई का एक ही उद्देश्य रहा था और वह था संसार की एक सच्ची भाषा को पाना। पहले उसने एस्पिरांतो भाषा का अध्ययन किया, फिर दुनिया के मजहबों का अध्ययन किया और अब यहाँ किमियागिरी थी जो वह सीख रहा था। वह एस्पिरांतो बोलना जानता था, उसे सारे बड़े मजहबों की अच्छी समझ थी, लेकिन वह अभी तक किमियागर नहीं बन पाया था। उसने महत्वपूर्ण सवालों के पीछे निहित सत्यों को उजागर कर लिया था, लेकिन उसका सारा अध्ययन उसे एक ऐसे मकाम पर ले आया था जहां से आगे जाना मुमकिन नहीं लग रहा था। उसने एक किमियागर से रिश्ता कायम करने की निष्फल कोशिश करके देख ली थी, लेकिन किमियागर विचित्र किस्म के लोग हुआ करते थे जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते थे और लगभग हमेशा ही उसकी मदद करने से इनकार करते रहते थे। कौन जाने, वह उस महानतम रहस्य को, उस पारस पत्थर के रहस्य को सुलझा पाने में नाकामयाब रही हो और इसी वजह से अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रखते हो। उसके पिता जो भी संपत्ति उसके लिए छोड़ गए थे, उसका ज्यादातर हिस्सा वह पारस पत्थर की खोज की नाकामयाब कोशिश में गंवा चुका था। उसने दुनिया के महानतम पुस्तकालयों में अपार समय खर्च किया था और किमियागिरी के तमाम दुर्लभतम और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ खरीद डाले थे। एक ग्रंथ में उसने पढ़ा था कि बहुत साल पहले एक प्रसिद्ध अरब किमियागर ने यूरोप की यात्रा की थी। कहा जाता है कि उसकी उम्र 200 साल से भी ज्यादा थी और उसने पारस पत्थर और अमृत का पता लगा लिया था। अंग्रेज इस किस्से को पढ़कर बहुत प्रभावित हुआ था। लेकिन अगर उसके एक दोस्त जो रेगिस्तान के पुरातात्विक अभियान से लौटा था, उसने एक अरब के बारे में न बताया होता जिसमें असाधारण शक्तियां थी, तो इसे उसने एक मिथक से ज्यादा महत्व न दिया होता। वह अल फयूम नामक नखलिस्तान ओएसिस में रहता है, उसके दोस्त ने कहा था, और लोग बताते हैं कि वह 200 साल का है और वह किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। अंग्रेज अपनी उत्तेजना पर काबू नहीं पा सका। उसने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और अपनी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक निकाली और अब वह एक धूल भरे बदबूदार अस्तबल में बैठा था। बाहर एक विशाल कारवा सहारा को पार करने की तैयारी में लगा हुआ था और वह कारवा अल फयूम से होकर गुजरने वाला था। मैं उस निगोड़े किमियागर को ढूंढ निकालूंगा, अंग्रेज ने सोचा, और जानवरों की गंध उसे कुछ और सहने लायक लगी।
तो मेरे घर thank you.